Welcome to my YouTube channel ABCC Anybody Can Cook. Through this channel, I am going to tell you all so many quick recipes. तो आज जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है मिक्स सोया राइस. इट इज वेरी इजी एंड क्विक टू मेक. सोयाबीन इज अ सोर्स ऑफ हाई प्रोटीन एंड फाइबर एंड इट हैव लेस कोलेस्ट्रॉल. इट्स रियली गुड फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर द किड्स एज इट हेल्प्स इन मसल बिल्डिंग. लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स. ये रेसिपी हम तीन लोगों के हिसाब से बनाने जा रहे हैं. तो इसमें मैंने दो बड़े ग्लास राइस लिया हुआ है. अभी राइस इसमें मैंने कोलम राइस लिया है. आप इसमें बासमती का राइस या फिर बिरयानी राइस भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे मिनी सोया चंक्स, दो छोटी कटोरी जो कि ऑलरेडी मैंने उबाल के लिए हुए हैं. एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, आधा कैरेट गाजर आप ले सकते हैं, एक छोटा पटैटो बारीक कटा हुआ, कोरिएंडर लीव्स डेकोरेशन के लिए, और एक बड़ा प्याज और एक ग्रीन बीन्स हम लोग एक बड़ी कटोरी भर के लेंगे. लहसुन का पेस्ट लेंगे, गरम मसाला लगेगा और एक छोटा सा पीस अदरक का लगेगा, और ड्राई मसाले आपके पास जो भी हैं जैसे कि दालचीनी है, बड़ी इलायची है, स्टार वाला जो मसाला है वो है, लवंग है, क्लोव्स है, और मूंग की दाल दो छोटी कटोरी और एक छोटी कटोरी दही. और अभी जो स्पाइसेस है वो हम इसमें देखेंगे. रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक, जीरा, राई और नमक स्वाद के अनुसार, और रिक्वायर्ड जो भी हमें लगने वाला है वो तेल. तो अभी हम बनाने की तरफ चलते हैं. तो ये जो रेसिपी है हम कुकर में आराम से बना सकते हैं. तो सबसे पहले मैं कोई भी तेल जो आप घर पे यूज करते हैं वो आप डालिए अंदाजे से. लेट द ऑयल गेट्स हीट. अब हम इसमें डालेंगे जो ड्राई मसाले हैं वो डालेंगे, सिनेमन स्टिक, काली इलायची, दो छोटी लवंग, एक चक्री फूल, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड राई, जीरा और कटा हुआ प्याज, और प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक हम ऐसे ही फ्राई करेंगे. थोड़ा ब्राउनिश कलर आ जाएगा फिर हम बाकी के चीजें इसमें ऐड करेंगे. यस, प्याज जो है अभी वो ब्राउन दिख रहा है मुझे. गैस थोड़ा कम कर देंगे और हम इसमें जो मसाले हैं वो सबसे लास्ट में डालेंगे. तो अभी हम इसमें क्या डालने वाले हैं, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ग्रीन बीन्स, पोटैटो, गाजर, और जो हमने सोयाबीन जो भिगो के रखे थे हम वो पूरा डाल देंगे इसमें, विथ टमाटो. इन सबको एक स्टर दे देंगे और गैस हम फिलहाल कम आंच पे ही रखेंगे. ये थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और अब हम इसमें लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, कटा हुआ अदरक डाल देंगे. गैस हम कम ही रखेंगे. अब हम इसमें जो मसाले हैं और स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे. दिस इज गरम मसाला, रेड चिली पाउडर. अभी रेड चिली पाउडर मैंने तीन लोगों के हिसाब से लिया है तो मैंने ये तीन छोटे चम्मच लिया है. हल्दी एक चम्मच, धनिया पाउडर दो चम्मच, और हम इसे मिक्स कर देंगे. अब हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड. अभी कर्ड हम क्यों डालते हैं, कर्ड से अच्छी इम्यूनिटी होती है और जो आपका पाचन शक्ति है वो इसे इम्प्रूव होता है. सो वी आर गोइंग टू ऐड कर्ड इन दिस.
अच्छा कलर आ गया है अभी ये। और इसमें जो मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं, आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं। अभी जो बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं दाल चावल खाने के लिए, तो वी कैन यू नो इंट्रोड्यूस इन दिस वे ऑल्सो। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड जो हमने भिगोई हुई मूंग की दाल है, अभी मैं इसमें वो ऐड करने जा रही हूँ और राइस जो कि ऑलरेडी मैंने सोक करके रखा था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं दाल चावल खाने के लिए, तो ये बहुत सही तरीका है। आप सारी सब्जियां इसमें इस तरीके से ऐड कर सकते हो, और जो कर्ड है, जैसे कर्ड है, गाजर है, ये सब चीजें तो ऐड कर ही दी है, तो इसका तो बेनिफिट बच्चे की बॉडी को मिलेगा ही मिलेगा। और बच्चे के सामने हम जब पुलाव बोलते हैं तो वाह मम्मा पुलाव है, तो उनके मुंह में पानी ही आ जाता है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट जो रह गया है वो है नमक। अभी इसमें जो नींबू है, अभी नींबू ऑप्शनल है, आप नींबू ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी, पर ऐड करने से और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने आधा नींबू ऐड कर दिया है, ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो आप ऐड कर सकते हैं। और अभी जरूरत के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। आप इसमें स्पाइसेस आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। गैस को आप मीडियम ले लीजिए। पानी अंदाजे से डालना है और तीखा आप कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हर किसी के अलग अलग टेस्ट होता है, किसी को ज्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन ऐड दैट। सो ये मैंने पानी डाल दिया है, अब बारी है नमक की। अब इसमें मतलब तीन लोगों के हिसाब से ये छोटा चम्मच है, तो ये मैं 4 या 5 डालूंगी। थोड़ा सा लाल पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर जरा कलर के लिए हम डाल सकते हैं। और इसे आप 2 सीटी 2 विसल देंगे और बंद कर देंगे। कुकर बंद कर दीजिए, गैस को फुल कर दीजिए और 2 बड़ी विसल आने दीजिए और उसके बाद इसे ठंडा होने दीजिए। अब हमारा जो पुलाव है वो ऑलरेडी रेडी है, अब हम इसे सर्व करते हैं। तो हमारा ये सोयाबीन मिक्स राइस बनके तैयार है। आप इसे सलाद के साथ में सर्व कीजिए, इट विल बी वेरी टेस्टी। आप जरूर मेरी रेसिपी शेयर कीजिए, ट्राई कीजिए और मेरे जो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट रेसिपी। तब तक ABCC AnyBodyCanCook।